मौजू का इंतखाब आप लोगों ने कुछ ने कर लिया हुआ है। मैंने 14 अगस्त पे बात करनी है, मैंने सीरत पे बात करनी है, सोचा हुआ है ना। मौजू का इंतखाब करते हुए अपने आप से चंद सवाल ज़रूर पूछें। पहली बात, क्या मुझे इस मौजू पर अबूर हासिल है? मैं जहाँ जा रहा हूँ वह मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग भी तो हो सकते हैं, तो क्या इस मौजू पर मेरी कमांड है? क्या इस मौजू पर बोलने के लिए मैं पुरजोश हूँ? मैं इस मौजू को बोलने के लिए खुद को आमादा पाता हूँ कि मजबूरन बोलने के लिए जा रहा हूँ? क्या मेरे सामईन को इस मौजू से कोई फ़ायदा होगा? मैं बात बराए बात करने के लिए जा रहा हूँ कि इस बात से सामईन तक कोई ख़ास मकसद, कोई ख़ास पैगाम, कोई ख़ास फ़ायदा पहुँचा सकूँगा उन्हें? क्या मेरे सामईन को इस मौजू से दिलचस्पी है? क्या सामईन ऐसी बात सुनना भी चाहते हैं कि नहीं? अगर सुनना ही नहीं चाहते तो फिर बात कहाँ चलेगी, आगे चलेगी? क्या मेरे इस मौजू से मुल्क व मिल्लत को, कौम को, दीन को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इस मौजू की अफादियत क्या है, किस मैदान में है, किस फील्ड के लिए है, किस तबके के लिए है, और मैं किस तबके से मुखातिब होने जा रहा हूँ? अगर मौजू का इंतखाब इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर करेंगे तो आप ऑडियंस की, सामईन की दिलचस्पी के मुताबिक मवाद तैयार करेंगे और उन्हें काम में ला सकेंगे। क्लियर?